अपने पास है अपाचे 164V। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी समस्या क्या आती है कि गाड़ी जब गिर जाती है लीवर पे हल्का सा इम्पैक्ट आता है और उसके बाद में आपका मास्टर सिलेंडर खराब होता है। तो कस्टमर जो भी है शिकायत करता है कि गाड़ी कभी कभी ब्रेक छोड़ देती है। तो क्या दिक्कत होती है मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसको सडन ब्रेक करोगे तो ये बिल्कुल नॉर्मली ऑपरेट करेगा, बट जब आप इसको हल्का हल्का स्लाइड स्लाइड दबाओगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि बिल्कुल दबाते दबाते यहाँ तक पहुँच जाएगा, बट उस टाइम तक आपका ब्रेक बिल्कुल यूज़ नहीं करेगा। ठीक है, तो मोस्टली कस्टमर क्या करते हैं, इसको लीवर को चेंज करा लेते हैं और लीवर चेंज कराने के बाद कंपनी आके दिखाते हैं कि मेरा मास्टर सिलेंडर खराब हो गया। तो इस केस में जस्टिफाई नहीं हो पाता कि ये मास्टर सिलेंडर खराब हुआ उसमें कस्टमर का फॉल्ट है नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ चेक कैसे करना है। इसको दबाओगे दबाते दबाते बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएगा, इसका मतलब 100% श्योर है कि मास्टर सिलेंडर की जो रबड़ है वो कट गई है। तो उसके लिए रबड़ डल के तो काम ही चलेगा, अगर आप सोचते हो कि 250-300 रुपये का पिस्टन मिल जाएगा बाहर से और ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इससे सही नहीं होगा, टेम्परेरी हो जाएगा, मतलब एक टाइम पे जाम हो जाएगा। तो अगर आपको उसको 100% सॉल्यूशन करना है इसका, तो पूरी असेंबली ही चेंज करनी पड़ेगी इसकी।